कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में बैठे हुए हो और एकदम से कोई डिस्कशन चल रही है और आप बिल्कुल ही आउट हुए पड़े हो उस डिस्कशन से? मतलब आपको लग रहा है कि यार ये मैं कहाँ बैठा हूँ, मतलब सब बोल रहे हैं, आप हंस भी रहे हो ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर आप खोए पड़े हो, आप डिस्कनेक्टेड हो, आप कह रहे हो क्या रहा है मेरा, वो जोन कहाँ चला गया? जबकि उन्हीं दोस्तों से आप 10 दिन पहले मिले होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ में, तो आप वहां पर बड़ा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे उस कॉन्वर्सेशन में, सबको हंसा भी रहे थे, बात भी कर रहे थे। अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, होता है ऐसा? तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, कभी नोट किया है? उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? डल डल होती है। समझ गए? मतलब कभी भी नोट करना इन सब छोटी छोटी चीजों को, जब आप एक्टिव होते हो एक डिस्कशन में तब आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? ऐसे एक्टिव, अरे तुझे पता नहीं कल मैंने क्या किया, ये समझ गए, ऐसे चल रहा होता है। और जब आप डल होते हो तो जब ऐसा हो रहा होता है, वो कोई बोल रहा है जोक समझ भी नहीं आया है अब, लेकिन सारे हंस रहे हैं तो हंसना पड़ेगा, ये भी हो जाता है राइट? हाँ, कि सारे अगर एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो आप भी बस उसको मैच करते चले जा रहे हो, मतलब यू बिकम अ काइंड ऑफ अ क्लोन, मतलब आप उनको कॉपी कर रहे हो, होता है ना, हम एक जोन में चले जाते हैं। तो अब इससे बाहर कैसे आए? यही चीज़ जॉब इंटरव्यू के टाइम भी हो रही होती है, वहाँ पर सब नर्वस बैठे होते हैं तो आप भी बिल्कुल वैसे ही हो जाते हो, ऐसे पैर फोल्ड किया, ये कर रहे हो, ये हाथ कर रहे हो, पैर हिला रहे हो, ये कर रहे हो, तो सब ऐसे ही डरे हुए होते हैं, ऐसे कोई सोच रहा है या खोया हुआ है, सारे खोए हुए हैं, बस जो थॉट चल रहे हैं चल रहे हैं, क्या होगा अंदर जाके खा जाएंगे क्या, शेर बैठा गया अंदर, हाँ क्या करेंगे? तो अब इस वक्त आपको क्या करना है कि दोनों आपस में कनेक्टेड है, अगर आप नर्वस हो गए तो आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरेगी, इसको अपोजिट भी होता है, यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर दो तो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी, बड़ा सिंपल होता है। जैसे मैंने अभी दोस्तों वाला एग्जांपल दिया, दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में बैठे हो, कभी भी अगली बार ऐसा हो तो इसको ट्राई करके देखना, ये मैंने कई बार किया है, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में, कि आप बैठे हुए हो आधे घंटे से और आप बिल्कुल चुप हो और सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं और भी आप बोलते हो, या उसी ग्रुप में आपने पहले कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया है, होता है ना, समझ गए ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल है आपके अंदर पार्टिसिपेट करने का, नहीं कर पा रहे उसकी वजह से बॉडी लैंग्वेज डाउन हो रही है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो, अपने आप को बोलो चल भाई पार्टिसिपेट कर, मन में, उनके सामने मत बोलना, वो कहेंगे पागल है क्या ये समझ गए? मतलब कि अपने अंदर से आपने बोला, या जॉब इंटरव्यू के लिए बैठे हो, सारे डरे हुए हैं और आपने बोला चल भाई कॉन्फिडेंट हो जा, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो, मतलब ऐसे नहीं बैठना है, जब ऐसे बैठते हो तो ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक नहीं हो रहा होता है, स्पाइन को सीधा करो, अभी देखो आप लोग कैसे बैठे हुए हो, आप में से कुछ लोग टेढ़े मेढ़े नहीं बैठना है, ये कोई आप काउच पे नहीं बैठे हो, समझ गए ना, जैसे घर पे हम बैठे होते हैं टेढ़े मेढ़े मोबाइल में लगे हुए हैं, इंटरव्यू में ऐसे नहीं करना है, घर पे फिर भी चल जाता है, कोशिश करो वहां पर भी थोड़े से अलर्ट रहो, क्योंकि एक हैबिट की बात है, जो अवेयर है वो हर जगह अवेयर है और जो नहीं अवेयर है वो ज्यादातर जगह पर अवेयर नहीं है, इट्स अ वेरी बिग क्वालिटी। क्लियर हो रहा है ना? मतलब आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक किया, चाहे दोस्तों के साथ में बैठे हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो, बॉडी लैंग्वेज को ठीक किया और बोला आई एम कॉन्फिडेंट। और अब आप उन लोगों को देखोगे जो नर्वस हो रहे हैं, पहले उनको देख रहे थे तो आप और नर्वस हो रहे थे, अब आप उन लोगों को देखोगे तो आपको हंसी आएगी, मजा आएगा, आप कहोगे मैं कॉन्फिडेंट हूँ और सबकी लगी हुई है, मतलब सबकी क्या बोलूं, सबकी हालत खराब हाँ ठीक है, क्लियर है ना? तो इसमें मजा आएगा, तो इमीडिएटली आप, मतलब एक सेकंड में एक स्विच आ गया अब आपके हाथ में, अगर आप इतना सा अवेयर हो तो, बस इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई एटीट्यूड नहीं, एक थॉट है बस खत्म। जिस वक्त आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उस रूम में एंटर करने वाले हो, उससे जस्ट पहले आप क्या सोच रहे होते हो, 90% वहीं पर डिसाइड हो जाता है कि आपको सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जस्ट उससे पहले क्या सोच रहे हो, अभी सोच किसके हाथ में है, किसी और के हाथ में है क्या? वो आकर के आपको बोलेंगे पॉजिटिव सोचो भाई, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जिसने इंटरव्यू लेना है वो आकर के बोलेगा, वो तो आपकी धज्जियां उड़ाने के लिए बैठे हैं, वो तो बल्कि ऐसे बैठे होंगे कि एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहे होंगे, वो ट्रेंड होते हैं इस चीज के अंदर, कभी नोट करना कि अगर आप फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, अब तो मैं नहीं लेता, लेकिन अब तो एचआर डिपार्टमेंट है, वो लोग सारा हैंडल करते हैं रिक्रूटमेंट्स और ये वो, पहले मैं खुद इंटरव्यू लेता था, तो मैं क्या करता था वहाँ पर बड़े सीरियस होकर के बैठा रहता था, तो मुझे अगर आप ठीक भी लग रहे होंगे तब भी मैं एक्सप्रेशन नहीं दूंगा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या
बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। होता है ये जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं होता है कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है ना, वो तो ऐसे बैठे हुए हैं। अब इससे क्या होता है, आप और ज्यादा नर्वस हो जाते हो क्योंकि आपको लगेगा कि शायद आपको पसंद नहीं किया जा रहा है। जैसे किसी लड़की से बात कर रहे हो, सपोज वो लड़की एक्सप्रेशन ही ना दे, क्या हुआ है, क्या बात हुई, ऐसे मतलब मन में ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस दे, तो आपकी क्या हालत होगी, आप कहोगे भैया दूर ही रहो इससे, है ना। लेकिन इंटरव्यू में क्या फर्क है, आप वहां से दूर भी नहीं जा सकते, समझ गए ना, आप भाग नहीं सकते उठ, आपका मन कर रहा होता है। कभी हुआ है आप लोगों के साथ में ऐसा, इंटरव्यू के लिए गए हो और बड़ा एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट हो गया है कि आपकी जो नर्वसनेस है वो बढ़ती जा रही है, आपका मन कर रहा है वहां से उठ करके भाग जाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, लेकिन आप जा नहीं सकते, तो वहां पर क्या काम आएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, समझ गए। जस्ट अंदर घुसने से पहले अपने आप को बोलो कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जा, अपनी बॉडी को बोलो, पहले स्टेप में अपनी बॉडी को बोल सकते हो, बॉडी को कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जा, और याद कर सकते हो कि जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। होते हो ना कहीं तो होते हो, चाहे पान की दुकान पे होते होगे, अबे ये नहीं आएगा पॉलिटिशियन, ये आएगा मैं बता रहा हूं तुझे, समझ गए ना। तो उसको याद कर लो कि हाँ, जब मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता हूं तो ऐसा होता हूं। अब एक्सट्रीम भी मत करना कि वह अंदर जाकर के कहीं मां बहन की गालियां निकालने लग जाओ, ठीक है, तो वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब एक अच्छा जेन्युइन कॉन्फिडेंस। जब आप जेन्युइनली कॉन्फिडेंट होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है उसको याद करो, और इमीडिएटली बॉडी पोस्चर को ठीक करो, सीधे खड़े हो जाओ, फिर अपने आप को बोलो माइंड को, चल बेटा कॉन्फिडेंट हो जाओ पूरी तरीके से, और अंदर एंट्री मारो। 90% आपके जो चांसेस है सिलेक्ट होने के वो बढ़ जाएंगे, 90% इस छोटे से काम से, कुछ सेकंड्स के लिए कर, इतनी इंपॉर्टेंस है बॉडी लैंग्वेज। हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं वहां पर एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब पॉइंट ये आता है किस सिचुएशन में क्या सोचना है, दैट इज योर इंटेलिजेंस। कहीं पहली बार डेट पे जा रहे हो तो वहां पर क्या सोचना है, वहां पर ये नहीं कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, अबे कॉन्फिडेंस का क्या करेगा, वहां पर आप सोच सकते हो सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। जैसे जैसे आप बोल रहे हो क्या हो रहा है, आपको याद आ रही है वो सारी सारी किस्से कहानियां जहां पर या जब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था। ऐसे ही अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो क्या होना चाहिए, सिर्फ एक थॉट और कोई थॉट नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। इससे बड़ी चीज और क्या होगी, आपको आंसर देना है किसके साथ देना है, कॉन्फिडेंस के साथ देना है या डरे डरे देना है, कॉन्फिडेंस से देना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए या बिल्कुल नर्वस होनी चाहिए, ऐसे 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 करना चाहिए, ऐसे बैठे हाँ जी क्या बताओ, क्या पोस्ट है, कितनी सैलरी है, क्योंकि तेरी ये जो हरकतें हैं ना, तुझे तुझे 2500 भी नहीं मिलेंगे, तो क्या 25,000 की बात करा, चलो भाई यहाँ से होता है ना। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस, बार 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 कॉन्फिडेंस, जॉब मिले ना मिले कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी पर तभी आता है जब हम उस चीज के अच्छे खिलाड़ी होते हैं या उस चीज के बारे में नॉलेज होती है, अगर कुछ ब्लैंक होते हैं तो हम कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। यहाँ पर बात क्या हो रही है, एक नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। जैसे वहां पर मान लो 100 कैंडिडेट्स आए हुए हैं और उसमें वेल डिफाइंड है कि ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सबकी क्वालिफिकेशन सेम है, तो सबको टेक्निकल नॉलेज है, और ये भी डिफाइंड है कि कितना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो सबका वर्क एक्सपीरियंस सेम है, समझ गए। तो क्वालिफिकेशन सेम है, उनका जो बैकग्राउंड है, जो एक्सपीरियंस है वो सेम है, हो सकता है काम में कोई दूसरा बेटर हो उन 100 में से और दूसरा हो जो काम में बेटर ना हो, लेकिन सिलेक्शन उसका हो जाए जो काम में इतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि एक आध घंटे के इंटरव्यू में क्या पता लगता है काम में कौन कितना बढ़िया है कौन कितना बढ़िया नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस को 1 घंटे में कैसे दिखा देगा। तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, कॉन्फिडेंस। अगर वो कुछ प्रैक्टिकल बोलेंगे करने के लिए तो कॉन्फिडेंस, रोल प्ले है तो कॉन्फिडेंस, ग्रुप डिस्कशन है तो कॉन्फिडेंस, समझ गए ना, हर जगह कॉन्फिडेंस ही तो चल रहा है, चल क्या रहा है, अंदर बात हो रही है तो कॉन्फिडेंस, एंट्री मारनी है कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब वहां पर ये नहीं कि एक सेकंड ना, वहां पर ये नहीं कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बोल के आपको कहीं मेरा कोई सेशन याद आ जाए कि भाई मैं ऐसे एंट्री मारता हूं तो वहां पर अंदर जाकर इंटरव्यू रूम में वहां पे 10 लोग आसान है, ऐसे कोई बुरा नहीं है आइडिया, ट्राई कर सकते हो, उन 10 में से 2-4 तो मेरे फैन होंगे ही होंगे, क्योंकि ये बंदा सही आया है। हाँ, आप क्या कह रहे थे, कभी कभी हम इंटरनली वेल कॉन्फिडेंट होते हैं बट जब अपने आप को एक्सप्रेस करना हो तो ब्लैंक हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं बताओ। देखो आप क्या कह रहे हो, नॉलेज है आपके पास में,
मतलब आपके पास उन सवालों के जवाब हैं जो सामने वाले पूछ रहे हैं, दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, राइट? फिर भी हम जवाब नहीं दे पाते हैं. क्यों नहीं दे पाते? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि या तो आपके पास जवाब ही ना हो, फिर आप ना दे पाओ तो ठीक है, आप मेरे से भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जिसका मेरे पास जवाब नहीं है. मान लो कि भाई एक दूसरी गैलेक्सी है, उसका कोई नाम है, उस पर लाइफ है या नहीं है, मैं क्या बोलूंगा? ब्लैंक हो जाऊंगा. लाइफ है या नहीं है पता नहीं जी, जाना पड़ेगा रॉकेट लेकर के वहां पे, समझ गए? तो मैं भी ब्लैंक हो जाऊंगा. लेकिन आप क्या पूछ रहे हो? आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास में जवाब तो है लेकिन मैं कॉन्फिडेंस से जवाब दे नहीं पा रही हूँ. ऐसा क्यों होता है? कंप्लीट कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कि आपका माइंड 1.8 नहीं है, माइंड डेविएट हो रहा है. अगर माइंड को बिल्कुल क्लियर हो, फोकस बिल्कुल क्लियर हो कि सामने वाला जो जवाब मेरे से पूछने वाला है उसका मुझे कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, दैट्स इट, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर माइंड में बार बार ये आ रहा है, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा, मैं जवाब नहीं दे पाई तो क्या होगा, अरे ये क्या पूछ रहे हैं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, समझ गए? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस से बोल दो मुझे याद नहीं आ रहा सर. समझ गए? यहां से क्या होगा, आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी 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 डीप हियर, अगर आप पकड़ पाओ तो, कि अगर सामने वाले ने कोई आपसे क्वेश्चन पूछा और आपके पास में उसका जवाब नहीं है, आप ब्लैंक हो गए, तो आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो सर मुझे नहीं पता. तो यहां से क्या निकल करके आएगा? ऑनेस्टी. दिस पर्सन इज ऑनेस्ट, वी कैन ट्रस्ट दिस पर्सन. मतलब ऑनेस्टी से आपने बोल दिया सर नहीं, मेरे पास में इस क्वेश्चन का अभी जवाब नहीं है, बट आई कैन कम बैक टू यू. मतलब जो भी सच है उसको कॉन्फिडेंस से बोल दिया, मुझे नहीं पता ये भी कॉन्फिडेंस से बोल दिया. तो कॉन्फिडेंस सिर्फ इसमें नहीं है कि जो आपको पता है उसको बोलना, मुझे नहीं पता है ये भी बोलना कॉन्फिडेंस है. मैंने कुछ गलत बोल दिया है और बीच में एकदम से अपोलोजाइज कर लेना, आई एम सो सॉरी सर ये मेरे मुंह से गलत निकल गया, ये भी कॉन्फिडेंस है. ऑनेस्टी गिव्स यू कॉन्फिडेंस. पकड़ में आ रही है ये बातें? बहुत मैटर करती है ये चीज, यही आपको अलग कर देगा बाकी सबसे. बाकी भी सबके पास में जवाब नहीं होगा उस क्वेश्चन का, लेकिन कुछ भी घुमा रहे होंगे सामने वाले को, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे होंगे सिर्फ बोलने के लिए. लेकिन आप क्या बोल रहे होंगे? नहीं, आई डू नॉट हैव द क्लियर आंसर फॉर दिस, बट मेरे को इतना पता है इसके बारे में जो आपने पूछा है. वो पूछेंगे आपको इसके बारे में पता है, इस लैंग्वेज के बारे में पता है? सर मुझे इतना पता है लेकिन मैं सीख लूंगा, मुझे अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस है, आई एम अ क्विक लर्नर, मैं बड़ी जल्दी सीख लूंगा, मुझे अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस है. ये आपने क्या किया? सच बोल दिया. दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? बाकियों से पूछ रहे हैं आपको ये आती है प्रोग्रामिंग की, ये लैंग्वेज आती है, इसके ऊपर हमारा काम होने वाला है. उसको ABCD भी नहीं पता उसकी. हाँ सर मेरे को आती है, मैंने पढ़ा है उसके बारे में. अब वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सामने से, अच्छा ये बताना जरा अगर ये है तो ये कैसे करोगे? अब वो अटक जाएगा. जो झूठे लोग होते हैं ना वो कहीं ना कहीं घूम जाते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि हम पकड़े जाएंगे. जो सच बोल रहा है उसको तो किसी का डर नहीं है, उसको ये पता है मैंने जाकर के सच बोलना है और पूरे कॉन्फिडेंस से बोल देना. सर मेरे को ये पूछना था, जैसे आप कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर रहे थे, कभी एक मोमेंट ऐसा आता है हम बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, वो पता नहीं कब ओवर कॉन्फिडेंस में निकल जाता है, तो वो समझ नहीं आता वो मोमेंट कब आ गया, आप कब रुकना है और कब मतलब किस लेवल तक जाना है ये समझ नहीं आता. ओवर कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट आ जाता है कभी कभी. मैं भी ऐसे आप जो बोल रहे हो मैं भी होता है कि हाँ ठान गया था, अच्छा कभी ऐसे वीक हो गए अंदर से, कॉन्फिडेंट हूँ अब तो हाँ तोड़ दूंगा सब कुछ, सब हो जाएगा. इसके बाद वो चीज़ ऊपर निकल जाती है, समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा हो जाता है. हाँ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है. वो कब होता है? व्हेन वी आर फेकिंग समथिंग. मतलब कि आप झूठ को पकड़ लिया आपने सच की बजाय. अभी जो मैं सच सच बोल रहा था इतना, वो यही बोल रहा था जब आप सच को पकड़ करके रखते हो तो उसमें एरोगेंस नहीं आता है, बिकॉज जो है सो है कि मेरी ये लिमिटेशन है, मेरा ये है, मैं यहाँ तक हूँ, ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर, बस मैं बिल्कुल क्लियर बात करने वाला हूँ अंदर जा करके. तो वहाँ पर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्योंकि आप अपनी वीकनेस को भी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, समझ गए? ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम हर चीज में सही होने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस. कि हमारे पास जवाब नहीं है एक क्वेश्चन का, फिर भी जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं है फिर भी अपने आप को शो ऐसे कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो सब पता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से इमीडिएटली अभी एक क्वेश्चन पूछते हो, सपोज आप में से कोई कि सर आप ये बताओ कि हम IIT को कैसे क्रैक करें, तो आपको क्या लगता है मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मेरे पास में दो ऑप्शन है, एक तो ये कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ. आपको IIT को क्रैक करना है, मैं बताता हूँ आपको कैसे आप IIT को क्रैक करें. इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे. कॉन्फिडेंस क्या कहेगा? यार मुझे नहीं पता IIT को कैसे क्रैक करना, मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ. जाकर के किसी ऐसे से पूछो जिसने IIT क्रैक किया हो, वो बताएगा आपको IIT को कैसे क्रैक करना है, समझ गए? कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क समझ आ गया? इससे क्या हुआ, आपका जो ध्यान है वो सब तरफ जो भटका हुआ था, आपके अनलिमिटेड थॉट्स माइंड में चल रहे थे जॉब इंटरव्यू से पहले,
सब जगह से सिमट करके आपने इंपॉर्टेंस दिया किस थॉट को, कि मुझे सच बोलना है और मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, खत्म। जॉब मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इस तरह से चलूंगा तो जॉब मिलनी ही मिलनी। कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आपने कमरा खोला और घुसे, एकदम से दिखाना कुछ, तो जो दिखा ऊपर से नीचे तक जैसे उन्होंने आपको देखा तो कहीं ना कहीं तो माइंड में एक इमेज बन गई ना।